हाय दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन पॉपकॉर्न। चिकन पॉपकॉर्न सबको बहुत पसंद आते हैं, लेकिन घर पे बनाना लगता है कि बहुत मुश्किल है, पर बिल्कुल नहीं, ये बहुत ही आसान है। इसे हम आज अपने घर पर बनाएंगे, तो चलिए बनाते हैं चिकन पॉपकॉर्न। चिकन पॉपकॉर्न बनाने के लिए मैंने लिया है ये चिकन ब्रेस्ट, ये 250 ग्राम है, एक पाव चिकन है। इसे मैंने इस तरह से छोटे छोटे पीसों में काट लिया है। आप चाहें तो इसे बड़े या छोटे पीस कर सकते हैं। हमें इसे मैरिनेट करना है। हमें मैरिनेट करने के लिए ये चाहिए आधा चम्मच काली मिर्च पीसी हुई, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच सोया सॉस, आधा चम्मच ग्रीन चिली पेस्ट, आधा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, एक अंडा, दो चम्मच मैदा, दो चम्मच कॉर्नफ्लोर, एक कटोरी कॉर्नफ्लेक्स। अब हम अपनी फर्स्ट मैरिनेशन कर लेंगे। हम डालेंगे इसमें ये चिकन ब्रेस्ट, नमक, थोड़ा सा नमक हमें बचा के रखना है, इसमें नमक डाल देंगे, और ये काली मिर्च से अच्छी तरह से हम हाथों से मसल देंगे इस तरह से। अब हम इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। नींबू का रस मिला देंगे इसमें, आधा नींबू का रस इस तरह से मिला देंगे। इसे मिलाकर 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें से जो ये पानी बाहर निकला है, नमक डालने से जो हमारा पानी थोड़ा सा इसमें से चिकन से निकला है, उसे हम अलग कर देंगे। छोड़ देंगे पानी को पूरी तरह से। अब हम इसमें डालेंगे ये ग्रीन चिली पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट, सोया सॉस, इसे अच्छी तरह से मिला देंगे। अब हम एक और बाउल ले लेंगे। अब हमने ये दूसरा बाउल ले लिया है, इसमें हम अपनी इस मैदे को और कॉर्नफ्लोर को डाल देंगे, और ये जो हमने थोड़ा सा नमक बचा के रखा था उसे भी डाल देंगे। इसे अच्छी तरह से मिला देंगे, इस तरह से मिला दीजिए आप। ये चिकन के पीस एक एक करके इस तरह से फोक से उठाएंगे इस तरह से, और इसमें डाल देंगे। हम 3-4 पीस एक साथ डालेंगे इस तरह से, इस तरह से इसको मैरिनेट करेंगे। और इसे एक अलग बाउल में निकाल देंगे। तरह से हमारा इसको अच्छी तरह से हमारी कोटिंग करनी है इसको। चिकन पॉपकॉर्न बनाने के लिए मेन चीज है इसकी मैरिनेशन, इसकी कोटिंग। अगर हम इस तरह चिकन को अच्छी तरह से कोट करेंगे तो हमारा चिकन बहुत ही जूसी बनेगा तरह से। इस तरह से अब हम सारे पीसेस को कोट कर लेंगे। हमने इन सारे पीसेस पे कोटिंग कर ली है। अब हम इसे 20 मिनट तक इस तरह से ढक के रख देंगे। जब तक हमारा ये चिकन कोट हो रहा है तब तक हम इसे मिक्सी में पीस देंगे। इस अंडे को भी हम बाउल में फेंट लेंगे। इसे मैंने मिक्सी में पीस लिया है। अब इसे हम इस बाउल में डाल देंगे। ये हमने एक अंडे को फेंट लिया है। 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम अपने ये देखिए
इस तरह से एकदम सूखे सूखे इस तरह से चिकन के पीसेस हो गए हैं। अब हम इसमें संडे को मिक्स कर देंगे। एग बहुत ही अच्छा बाइंडर है, इससे हमारे सारे मसाले बाइंड हो जाते हैं और चिकन के जूसेस बिल्कुल बाहर नहीं आते। अब हम इस तरह की छन्नी ले लेंगे, उसे ऐसे लगा देंगे। अब ये हमारा जो चिकन है हम इसे इस तरह से इसमें डाल देंगे। जो भी एक्स्ट्रा एग होगा उसमें से बाहर निकल आएगा, इस तरह से हमें दबा देना है। देखिए अगर हम छन्नी से नहीं छानेंगे तो ये कोटिंग बहुत ज्यादा हो जाएगी और हमें चिकन का टेस्ट बिल्कुल नहीं आएगा। इस तरह से हमें इस तरह से दबा दबा के पूरे जो भी एक्स्ट्रा एग है उसे बाहर निकाल देना है। अब हम चिकन पीसेस को इन फ्लेक्स में डालेंगे, इस तरह से। हमें बिल्कुल अपने हाथ नहीं खराब करनी है, इस तरह से हमें एक प्लेट में से एक एक पीस हम निकालेंगे, इस तरह से इसमें अच्छी तरह से कोट करके इसमें रख देते हैं। ये हमने सभी चिकन पीसेस को कोट कर लिया है। अब मैंने गैस पे घी गरम करने लिए रखा है, अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। हमारा घी गरम हो चुका है, अब हम आंच को थोड़ा कम कर लेंगे। अब हम एक एक करके पीसेस डाल देंगे, इस तरह से दूर दूर डालेंगे पीसेस को, जैसे वो एक दूसरे से चिपके नहीं। इसे फ्राई करने में ज्यादा वक्त नहीं लगता क्योंकि हमने पीसेस चिकन के बहुत छोटे छोटे पीसेस करा दिए थे और चिकन जल्दी ही गल जाता है। देखिए हमारे चिकन पीसेस फ्राई हो चुके हैं। इसे फ्राई करने में हमें 5 मिनट लगे। अब हम इसे प्लेट में निकाल देंगे और जो बचे हुए दूसरे पीसेस हैं उसे भी फ्राई कर लेंगे। ये मैंने चिकन पॉपकॉर्न को डिश आउट कर लिया है और इसे हम चटनी के साथ या सॉस के साथ सर्व करेंगे। ये देखिए हमारे चिकन पॉपकॉर्न कितने सॉफ्ट बने हैं, कितने जूसी और सॉफ्ट बने हैं। आप इसे घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा और इस रेसिपी को शेयर कीजिएगा। तैयार है हमारे चिकन पॉपकॉर्न, आप इसे घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत डिलीशियस और बहुत टेस्टी बनते हैं। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद है इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। Bye!